टू रेसिपी आना। आज हम गोभी कीमा बनाएंगे। गोभी कीमा के लिए हमने एक छोटी सी फूल गोभी ली थी और उसे हमने कद्दूकस कर लिया। दो मध्यम आकार के टमाटर, डेढ़ प्याज है ये मध्यम आकार के, 6 से 7 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक उसे हमने रफली काट लिया है, धनिया की पत्ती गार्निशिंग के लिए, 1 कप हरी मटर है या 100 ग्राम, कुछ सूखे मसाले लिए हैं खड़े, तेज पत्ता, 1 लाल मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1/2 चम्मच जीरा, 3 चम्मच बड़े चम्मच यानी हमने सरसों का तेल लिया है, ये मसाले हैं कुछ, धनिया पाउडर है ये 1 चम्मच, सब्जी मसाला 1 चम्मच, ये हमने मीट मसाला लिया है 1 चम्मच। यदि आप मीट मसाला ये नहीं यूज करते हैं तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और पानी हम आवश्यकता अनुसार लेंगे। गोभी कीमा बनाने से पहले हम मसाला पीसेंगे, तो प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना लिया है और इसमें हमने पानी यूज नहीं किया है। तो आइए अब हम अपना गोभी कीमा बनाते हैं। हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है, अब इसमें हम 1 चम्मच बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम जो कद्दूकस किया हुआ गोभी था वो डालेंगे। अब इसे हमको 3 से 4 मिनट भूनना है। ये हल्का हल्का जब लाल होने लगेगा बस तब इसको हम निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम हमारी मीडियम होनी चाहिए जब हम इसे भून रहे हो। हमने इसको चला के 3 से 4 मिनट भून लिया है, अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। हम उसी कढ़ाई में जिसमें हमने गोभी को भूना था उसमें 2 बड़े चम्मच फिर से तेल डालेंगे और तेल को मीडियम आंच में गरम करेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। जो हमने छोटी इलायची और बड़ी इलायची ली थी उसे हमने कूट लिया है, तेज पत्ता, लाल मिर्च और जीरा। पिसा हुआ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन डालेंगे। इस मसाले को हमें 3 से 4 मिनट भूनना है और उसके बाद हम इसमें जो पिसे हुए मसाले हैं वो डालेंगे। हमारा मसाला 3 से 4 मिनट भून गया है, अब इसमें हम पिसे हुए मसाले डालेंगे, पाउडर जो है सब कुछ डाल देंगे हम। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसमें हम मटर डाल देंगे, मिलाकर हम इसे धीमी आंच पर ढक कर 5 से 6 मिनट पकाएंगे कि हमारे मटर अच्छे से पक जाए और आप बीच में इसको 1 से 2 बार चला भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें तेल ऊपर आ गया है और मटर भी पक गई है। अब इसमें हम गोभी डालेंगे जो हमने भुनी थी और अच्छे से मिला देंगे। हमने मसाले और गोभी को बहुत अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। हमने इसमें 1 कप के लगभग पानी डाला है। हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट पकाएंगे। हम
गोभी कीमा को बीच में एक बार चला देंगे, ये कहीं नीचे से पकड़ ना ले, इसीलिए हम इसको चला देंगे एक बार और फिर ढककर इसे पकाएंगे। हमारे 5 मिनट हो गए हैं और हम ढक्कन खोलेंगे। इसका बहुत अच्छा कलर आया है, तेल ऊपर आ गया है और इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, जैसे कोई मैंने नॉनवेज कीमा बनाया हो, मगर ये वेजिटेरियन कीमा है। तो आप इसको अपने घर में जरूर बनाएं। हम इसको इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया डालेंगे और मिला देंगे। थोड़ी सी धनिया हमने बचाई है ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अब इसको हम ढक कर गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट बाद इसको हम सर्व करेंगे। हमारे गोभी का कीमा तैयार है। ये बहुत ही यम्मी बना हुआ है और आप इसे रोटी, नान, पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं। आप इसे अपने घर में जरूर बनाएं और ये जरूर बताएं कि ये कैसा बना है। इसके लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।